जय माता की। मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम योर चैनल मैजिकल मॉम्स डायरी। और आज हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट महिला या गर्भवती स्त्रियां किस पोजीशन में लेटे जिससे कि उन्हें अच्छी नींद आए और जो उनके बच्चे का विकास अच्छे से हो। तो आज की वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि किस पोजीशन में लेटेंगे, किस क्या करें क्या ना करें। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन में आ जाए। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो बच्चे से संबंधित, प्रेगनेंसी से संबंधित आपको हर वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में महिलाओं को बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। प्रेगनेंसी में किस पोजीशन में लेटें, किस पोजीशन में ना लेटें, ये बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है और लास्ट के जो सेमेस्टर होता है उसमें नींद नहीं आती है। फर्स्ट सेमेस्टर में नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि उस समय हार्मोन्स चेंज होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब 1 महीने से 3 महीने के अंतर का होता है, और लास्ट का सेमेस्टर भी 2 महीने, जैसे कि 7 से 9 मंथ्स का होता है। उस समय बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है जिससे कि लंग्स में दबाव पड़ता है और ऑक्सीजन लेवल सही से नहीं पहुँचता था, तो भी नींद नहीं आती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किस पोजीशन में लेटे जब नींद अच्छी आए। तो देखिए, बहुत सी महिलाएँ होती हैं कि जिनको पेट के बल ही नींद आती है। देखिए, आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप पेट के बल लेट सकती हैं क्योंकि बेबी को हार्म नहीं होगा, क्योंकि बेबी जो यूट्रस में होता है और यूट्रस जो हड्डियों के बीच में होता है, और जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है बेबी बहुत छोटा होता है जिससे कि उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और अगर आप बाद में बीच में भी अगर लेटेंगी पेट के बल तो भी बेबी को हार्म नहीं होगा, क्योंकि बेबी एक ऐसे यूट्रस होता है जो कि बड़ा हो जाता है और बलून के समान में होता है जिसमें पानी भरा होता है, तो बेबी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता। पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पेट के बल ना लेटें, क्योंकि अगर आपके बच्चे का ग्रोथ बहुत हो गया है, आपका सेमेस्टर बढ़ चुका है, तो आपको लेटने में भी दिक्कत होगी और कुछ ना कुछ दबाव तो पड़ता ही है पेट में। और करवट किस साइड ले, तो देखिए, आप करवट लेफ़्ट साइड सोएंगी तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, आपका बच्चा भी अच्छे से ग्रोथ होगी, बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा अच्छे से। तो आप लेफ़्ट करवट लेटे, राइट करवट भी लेट सकती हैं, आपको जो भी करवट कंफर्टेबल लगे आप उस करवट में लेटे। देखिए, आपका शरीर सबका अलग अलग होता है, बॉडी का जो हर चीज़ अलग अलग होती है, तो आप उस हिसाब से लेटे। पर लेटने के पहले 2 घंटे पहले ही आप जो भी लिक्विड लेना चाहें वो लिक्विड ले लें। दूध है, पानी है, दही जो भी है, आप सारे लिक्विड वगैरह या जो पानी है वो 2 घंटे पहले ले लें। फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं, घर की चीज़ें खाएं, फलों का सेवन करें, अंकुरित चीज़ें खाएं, हरी सब्जियां वगैरह खाएं। आप सोचेंगे कि मैंने लिक्विड 2 घंटे पहले क्यों बोला। देखिए, 2 घंटे पहले लिक्विड अगर लेंगे तो आपको जो यूरिन की प्रॉब्लम है वो कम होगी, आपको बार बार यूरिन नहीं निकालने जाना होगा, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता, बच्चे की ग्रोथ होती है तो यूरिन में दबाव पड़ता है जिसकी वजह से बार बार यूरिन होता है, और यूरिन के बार बार होने की वजह से भी नींद नहीं आती। तो अगर आप सोने के 2 घंटे पहले ही पानी वगैरह सब पी लेंगे, दूध वगैरह, और सोने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले एक बार आप टॉयलेट ज़रूर हो आएँ, जिससे कि आपको लगी हो या ना लगी फिर भी आप टॉयलेट जाएँ, जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आएगी। क्योंकि आप टॉयलेट हो लेंगे तो 4 से 5 घंटे तक तो आप अच्छे से सो ही लेंगी। अगर जितनी ही अच्छी आपको नींद मिलेगी उतना ही अच्छा आपके बच्चे का विकास होगा। तो आपको भरपूर नींद लेनी है, रात के 6 से 7 घंटे की नींद आप ज़रूर लें, जल्दी सोएं और जल्दी उठें, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें। और सोने से पहले एक और बात कहूँगी कि टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। आप 2 घंटे पहले ही टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जो मोबाइल और टीवी से ऐसी किरणें निकलती हैं जो माइंड को जगने के लिए बोलती हैं कि आप जगें और ये चीज़ देखें, क्योंकि माइंड वहीं पर सोचता रहता है कि ये देखा है तो उसको और देखना है ये वगैरह वगैरह, तो आप समझ सकते हैं। तो आप टीवी या मोबाइल भी ना देखें, और कमरे में आप अपने थोड़ी सी सुगंधित अरोमा टाइप का जो भी है, जो सुगंधित है, परफ्यूम हल्का सा इस तरह का इस्तेमाल कर लें जिससे कि आपकी धीमी धीमी खुशबू आए। और सोने से पहले अच्छी से म्यूज़िक आप सुन सकती हैं जिससे आपका मन शांत होगा, आपको अच्छी नींद आएगी।
आपको बहुत ही ध्यान देना है। अगर अच्छी नींद आनी आप अपने हस्बैंड से बोल सकती हैं, जब आप लेटने जाए तो आप अपने हस्बैंड से बोल दिए तो वो हल्की सी हेड मसाज दे दें, नेक में हल्का सा मसाज दे दें, या पैरों में अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही तो पैरों में हल्का सा मसाज दे दें। जो भी आपके घर में हो आप उससे थोड़ा सा ये हेड मसाज वगैरह ले सकती हैं। अब लास्ट के मंथ में नींद नहीं आती, उसका ये कारण होता है कि आपके जो बेबी होता है वो बड़ा हो चुका होता है, जिसका लंग्स में प्रभाव पड़ता है और ऑक्सीजन लेवल सही से नहीं मिल पाता। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो आपको नींद लेने में दिक्कत होती है, आप सांस लेने में दिक्कत होती, तो आपको क्या करना है, करवट लेटना है और दो पिल्लों को सर के नीचे शोल्डर के नीचे रख लेना, जिससे कि आपका जो सर की पोजीशन है वो ऊँची हो जाए और आपको सही मात्रा में ऑक्सीजन मिले। जब सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो आपको नींद अच्छी आएगी, बीच में नींद नहीं टूटेगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय माता की।